प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA थर्ड सेमेस्टर विषय शिक्षा शास्त्र के पेपर डायमेंशंस इन एजुकेशन, हिंदी में शिक्षा में आयाम, पेपर कोड EDU 202 की फर्स्ट यूनिट के 1.3 सब यूनिट का अध्ययन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एजुकेशन, इट्स मीनिंग, हिंदी में दूरस्थ शिक्षा, इसका अर्थ। आज अपनी इस रिकॉर्डिंग में हम दूरस्थ शिक्षा का अर्थ और दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दूरस्थ शिक्षा के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है। इसमें शिक्षक और छात्र का संबंध दूर का होता है। ये परस्पर बहुत कम मिलते हैं। ये पत्राचार कोर्सों, जनसंचार के साधनों आदि के द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा होती है। इसका सामान्य अर्थ है दूर से दी जाने वाली शिक्षा। इस शिक्षा में शिक्षक और छात्र बहुत कम मिलते हैं और दूर दूर से ही संपर्क के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। शिक्षक और छात्र के बीच सीखना और सिखाना बिना किसी बाधा के चलता रहता है। यह शिक्षा चार दीवारी के भीतर बंद होकर निश्चित समय के लिए बैठकर बंदी बधाई शिक्षण विधियों के द्वारा नहीं चलता है, वरन यह स्वतंत्र और मुक्त भाव से चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें सीखने वाला अपनी सुविधा तथा प्राप्त समय के अनुसार अपनी गति से सीखता चलता है। यह शिक्षा व्यक्ति को निरंतर शिक्षा की प्रक्रिया से जोड़े रखती है। यह 100 उद्देश्य शिक्षण प्रणाली है। इसकी अपनी विशिष्ट शिक्षण विधियां और तकनीकें हैं। दूरस्थ शिक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रम भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस शिक्षा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि सीखने वाले की आवश्यकताओं, रुचियों और सीखने की क्षमता पर यह शिक्षा प्रणाली आधारित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक और छात्र का संबंध दूर का होता है। वे लोग पत्राचार कोर्सों, तकनीकी के माध्यम से शिक्षक छात्र को पढ़ाता है और इस तरीके से सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। अब हम लोग दूरस्थ शिक्षा की विशेषताओं पर बात करेंगे। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताओं के लिए हम यहाँ पर 10 बिंदुओं को चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है, जिसे पत्राचार शिक्षा, मुक्त अधिगम आदि भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह शिक्षा स्थान, काल आदि से संबंधित नहीं होती है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कोई भी निश्चित स्थान और समय निश्चित नहीं होता है। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार सीख सकता है। तीसरा पॉइंट है, यह शिक्षा छात्र केंद्रित होती है। यह छात्रों की आवश्यकताओं पर केंद्रित होती है। इसमें छात्र अपनी गति एवं सुविधा के अनुसार सीखता है और उसे कोर्सों के चयन में भी स्वतंत्रता होती है। चौथा पॉइंट है, प्रवेश की दृष्टि से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली लचीली होती है। पांचवा पॉइंट है, यह अप्रत्यक्ष शिक्षा है, क्योंकि इसमें आमने सामने शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। इसमें छात्र अपने शिक्षकों तथा सहपाठियों से अलग रहता है। इसमें अध्यापक तथा छात्रों के बीच में संपर्क डाक के द्वारा स्थापित किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है, दूरस्थ शिक्षा संस्थागत नहीं होती, वरन पत्राचार, प्राइवेट अध्ययन, परिसर मुक्त, गृह अध्ययन,
स्वतंत्र अध्ययन आदि के रूप में प्रदान की जाती है। इसका अर्थ यह है कि यह किसी संस्था में बैठकर नहीं प्रदान की जाती, इसीलिए ये कहा जाता है कि यह संस्थागत नहीं है। बालक अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करता है और दूरस्थ शिक्षा में पत्राचार के माध्यम से उसे पढ़ाई की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और विद्यार्थी अपने घर पर अपनी सुविधा के अनुसार बैठकर पढ़ाई करता है, इसीलिए वह विद्यालय नहीं जाता और कह सकते हैं, हम ये कहते हैं कि यह शिक्षा संस्थागत नहीं होती। सातवां पॉइंट है, यह शिक्षा छात्र के द्वार पर प्रदान की जाती है, क्योंकि इसमें छात्र अपने घर पर बैठकर ही पढ़ता है, इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा छात्र के द्वार पर प्रदान की जाती है। आठवां पॉइंट है, इस शिक्षा में बहुआयामी पाठ्यक्रमों का समावेश होता है। इसमें बहुत तरह के पाठ्यक्रमों का समावेश होता है जिसे विद्यार्थी पढ़ सकता है। नवा पॉइंट है, इस शिक्षा में सामूहिक अध्ययन की अपेक्षाकृत व्यक्तिगत अध्ययन पर बल दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर अकेला रहकर पढ़ाई करता है, सामूहिक रूप से कक्षा में नहीं, इसीलिए यह व्यक्तिगत अध्ययन पर बल देता है। दसवां और आखिरी बिंदु है, यह शिक्षा जन शिक्षा की पद्धति है। इसका अर्थ यह है कि यह जन शिक्षा की पद्धति है, सभी को शिक्षा देने के उद्देश्य से ये शिक्षा प्रणाली चलाई जा रही है। आपको इस रिकॉर्डिंग में दूरस्थ शिक्षा का अर्थ और दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं बिंदुओं पर चर्चा की गई है। धन्यवाद।